नाइस ओके। आपके सवाल जो है वो आफाक वो वीलैंड से है, तो मैं उसकी क्लास खत्म करके आपको उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बात करूँ कि तो बाकी स्टूडेंट को वीलैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए दे विल बी प्रॉब्लम। लेकिन शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि वो तमाम रूल्स जैसे आपने कहा कि पहला एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, वो किसी को नहीं दिए जा सकते, वो रूल अपनी जगह पे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ओके तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं ऑन ए न्यू चैप्टर, एंड इट इज नॉट ओनली ए न्यू चैप्टर बट इट इज ए न्यू लेयर। क्योंकि ब्रीफली दोबारा से बता दूं कि हमने अपना मुख्तलिफ जो हमारे नेटवर्किंग मॉडल्स हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्योंकि इम्प्लीमेंटेड है, वो है TCP/IP मॉडल, जिसमें मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 5 डिफरेंट लेयर्स, जिसमें फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, देन इज दी नेटवर्क लेयर, एंड देन इज दी ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड फाइनली इज दी एप्लीकेशन लेयर। तो जेंटलमैन, मैं आपको क्लियर हो, हमने लास्ट क्लास में डेटा लिंक लेयर को कंप्लीट किया। हमने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा कि इसके आगे 2 सब लेयर्स हैं, ऊपर की लेयर जो कि नेटवर्क से कनेक्ट है उसको कहते हैं LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और नीचे जो है वो है मैक सब लेयर। ठीक, और इसकी एग्जाम्पल के तौर पे हमने ईथरनेट का चैप्टर नंबर 7 में ईथरनेट को स्टडी किया, जो कि वन ऑफ द एग्जाम्पल है लेयर 2 की। हम अगले कोर्स में इसी के को एक्सटेंड करेंगे, और आपका जो वाईफाई है इसको एज एन एग्जाम्पल लेंगे। क्यों इन दो में हम इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि एज फार एज द इंटरनेट इज कंसर्न और एज फार एज द लोकल एयर नेटवर्क आर कंसर्न, ऑलवेज वी हैव बोथ ऑफ देम यूज साइमल्टेनियसली। हर जगह वाईफाई और हर वाईफाई के पीछे ईथर। ठीक, इसलिए हमें ये चीजें आना जरूरी है। एनी हाउ, ये हमारा प्रीवियस चैप्टर तक का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी न्यू कॉन्सेप्ट विच इज लेयर थ्री विच इज नेम्ड एज यू कैन सी इन हेयर ऑन द लेफ्ट एज वेल, नेटवर्क लेयर। क्लियर? तो लाजमी तौर पे अगर हम नेटवर्क लेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ टारगेट्स होने चाहिए, कुछ एम्स होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा एम ये है कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इस लेयर की, यानी क्या ये लेयर करता क्या है। ये तो नहीं कह सकते कि जी ये वो बाबू साहब है जो कुछ भी नहीं करता। दफ्तर में होता है ना, जी ये बाबू साहब क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता जी, ये ऑफिसर क्या करता है, ये OSD है, कुछ भी नहीं करता। नहीं, यहां पे इसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। फिर इसके फंक्शन से ही हम 2 बातें निकालेंगे, और वो बातें हैं अबाउट दी नंबर 1 कि ये अभी आप देखेंगे एड्रेस इसके लिए जरूरी है। इसका एक काम यह है कि हर डिवाइस को ये एड्रेस देता है, और भी है लेकिन एक मेन इसका है कि ये एड्रेस देता है आपका। सवाल जैसे आपको फिर पता है, आगे नहीं पता तो कोई मसला नहीं, इस पे हम अगले 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे। अगला चैप्टर होगा अबाउट दी IP वर्जन 4 कि ये कैसा एड्रेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे लिख दूं
एनएस लुकअप फॉर एग्जांपल, एनएस लुकअप और किसी भी कंपनी का नाम दे दूं, मिसाल के तौर पे सीमेंस का दे देता हूं, उसके बाद सिस्को का भी दे देता हूं, ताकि आपका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के एड्रेसेस इस कंपनी के पास हैं, ये आईपी वर्जन 4 के और ये आईपी वर्जन 6 के। इसी तरह अगर मैं यही कमांड रिपीट कर दूं, लेट करें आपका पसंदीदा फेसबुक के लिए facebook.com इंटर कर दूं, यू कैन सी आईपी 4 का भी है, आईपी वी 6 का भी है। इसी तरह अगर मैं अगेन आपके पसंदीदा YouTube का आपको एग्जाम्पल दूं, youtube.com इंटर कर दूं, माशाल्लाह IPv4 के भी हैं और IPv6 के भी हैं। इसी तरह ये मैंने किया YouTube के लिए। इसी तरह अगर मैं करूं cisco.com इंटर करूं, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि IPv6 के भी हैं और IPv, तो इन तमाम एग्जाम्पल से कम आप एक बात पे एनी से एग्री कर गए कि दो तरह के एड्रेसेस, एक वो जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, ये है आईपी वर्जन 4, और आप देखेंगे कि ये 32 बिट का एड्रेस है, क्योंकि हर एक ऑक्टेट या बाइट 8 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये लिखा जाता है डेसिमल में, लेकिन प्रोसेस होता है बाइनरी, तो इसलिए हम कहते हैं 32 बिट्स, 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स प्लस 8 बिट्स, तो टोटल कितना हो गया 32, नो बिग मसला। ठीक है साहब, इसके मुकाबले में ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, दैट इज इन दी, एज यू कैन सी इट वॉज डेसिमल, लेकिन डेसिमल में तो कोई एफ नहीं होता, कोई ए नहीं होता, कोई बी नहीं होता, कोई बी नहीं होता, कोई ए नहीं होता, कोई एफ नहीं होता, कोई डी नहीं होता। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट डेसिमल, इट इज हेक्साडेसिमल, विच हैज द नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड ए टू एफ, एंड ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट्स। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट 16 बिट्स, यानी कि 2 बाइट्स, जिसको बाद में लिटरेचर में हेक्सेक्ट भी कहा जाता है, इस पर बात करेंगे। तो आप हर एक 16 है, टोटल इज 128 बिट्स, टोटल इज 128 बिट्स। तो हमारा ये पार्ट कवर करेगा IPv4 को पहले और फिर IPv6 को। लाजमी बात है, बाजू का स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि जी उनका ख्याल ये होता है कि उनके इर्द गिर्द ज्यादातर IPv4 है, तो IPv6 पढ़ने की जरूरत क्या है? तो उनको मैं यही चंद एग्जांपल्स दे के इस चीज पे कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि जेंटलमैन, दुनिया इज यूजिंग बोथ साइमल्टेनियसली। हर कंपनी, जैसे अभी आपने देखा, कोई एक ऐसी कंपनी भी इंटरनेशनल नहीं थी, चाहे वो सीमेंस हो, नोकिया हो, कोई भी हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, वट एवर, तो आपको नजर आ रहा है कि दे आर यूजिंग बोथ। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम कहें एक हम पढ़ लेते हैं, एक हम छोड़ देते हैं? तो ये मुमकिन नहीं, इसका मतलब कि वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ। इसलिए हम यहाँ पे अगले चैप्टर में जब जाएंगे, यानी कि 8 है, 9, 10 चैप्टर, 9 इज अबाउट IPv4 एंड 6, 10 इज अबाउट IPv6। ठीक हो गया जी? ओके, तो हम ये देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे, लाजमी तौर पे इंटरेस्टिंग ये है कि हर, जैसे मैंने कहा कि हर एक लेयर का कोई फंक्शन होता है, हर एक लेयर का कोई फंक्शन, कोई फंक्शन तो होगा, और वो एक फंक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्री कर जाए हम इस बात पे। अब क्वेश्चन ये है कि वो फंक्शनैलिटीज कहाँ पे हम इंप्लीमेंट करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, क्या ख्याल है?
कैसे करें, कहाँ करें, कहाँ इंप्लीमेंट करें? जी अनीस, हेडर में, किसके जरिए इंप्लीमेंट होती है फंक्शनैलिटीज? हेडर के जरिए। इसका मतलब IPv4 का हेडर अपना होगा, IPv6 का हेडर अपना होगा, तो हमें उनके हेडर को भी समझना होगा। मिसाल के तौर पे आप देखेंगे कि IPv4 का हेडर 20 बाइट्स का है, 20 बाइट्स का है, मिनिमम 20 बाइट्स का है, या बाय डिफॉल्ट 20 बाइट्स का है, जबकि IPv6 का हेडर 40 बाइट्स का है। तो हमें 40 बाइट्स को, हर बाइट को और हर बिट को समझना होगा इसका मकसद क्या है, क्योंकि यहां पे हम नहीं कह सकते कि ये बिट क्या कर दिया, ये कुछ नहीं, तो फिर भेज किस लिए रहे हो, ऐसे मजाक कर रहे हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीजें सीखें कि हेडर में हर एक बिट, हर एक फील्ड का क्या फंक्शन है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको यहां पे हेल्प आउट करेगा, लेकिन जब आप एडवांस कोर्सेज में जाओगे तो फिर उस वक्त ये फील्ड्स आपके, स्पेशली जब अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाओगे, जो कि आप में से शायद मोस्टली जाना पसंद करेंगे क्योंकि इस वक्त हॉट है। मतलब इवन कल मैं पीसी के एक वर्कशॉप करा रहा था, तो उनके सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार साहब आए हुए थे, तो जूं ही उनको मैंने कहा कि जी हम साइबर भी करवा सकते हैं, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी मुझे उसका कोर्स कॉन्टेंट भेजें, हम पीसी के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफर करना चाहते हैं। तो कहने का मकसद है कि जिसको भी आप इसके ऑटोमेशन का कहा, उन्होंने कहा हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने कहा जी हम डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये सारे कोर्सेज हमें भेजें, हम इनको पीसी के प्लेटफॉर्म से ऑफर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने इस एरिया में जाना है तो ये फिर इन चीजों का पता होना मस्ट है। ठीक, फिर इसके बाद जैसे आपका दोस्त मेरे पास शायद इनिशियली आया था फिहाम, और उन्होंने कहा जी हम साइबर करना चाहते हैं, मैंने कहा साइबर नहीं, मतलब अगर मैं प्राइवेट होता तो शायद मैं उनको बड़ी गर्मजोशी से वेलकम करता कि फीस जमा कराओ हो जाएगा साइबर, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसका मतलब कि धोखा दूंगा, तो मैंने उनको कहा बच्चे नहीं होता, अपने टाइम मत जाया करो ना अपने बच्चों, अपने आप पैसे जाया करो, करना है तो पहले नेटवर्क करो और फिर उसके बाद आओ ताकि समझ भी सको। और यही बात आपके फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हैं कुछ, शायद वो अभी इस वक्त इसमें मौजूद भी हो, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी एक कोर्स लिया हुआ है, उन्होंने कई बायर 28 क्लासेस ले चुके हैं क्लाउड की, और समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं समझ आ रही कि भाई नेटवर्क का तो पता नहीं है, क्लाउड एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो मुझे तो सिंपल नेटवर्क नहीं समझ आती, कॉम्प्लेक्स तो फिर दूर की बातें हैं। तो इसलिए ये कोर्स तमाम कोर्सेज के लिए, इस किस्म के कोर्सेज के लिए, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, ऑटोमेशन हो, इन तमाम कोर्सेज के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको, एक तरीका तो ये है जैसे कि हमारे पास कॉम्पिटिटर्स ही कहूंगा, लेकिन मैं उनके साथ कंपटीशन करने के मूड में ही नहीं हूँ, कॉम्पिटिटर्स कहते हैं ये महीने में कोर्स होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कराओ तुम महीने में, मुझे क्या तकलीफ है, क्योंकि वो फिर ये डिटेल्स तो नहीं करवाते, वो तो कहते हैं कि जी ये पकड़ो, ये इनका कोर्स है, ये इनके लैब्स हैं, ये कर लो बस तुम्हें समझ आ गई, यू आर ऑलवेज बी ए टेक्नीशियन, आपको क्या जरूरत है कि आप इसकी डिटेल में जाओ, लेकिन मेरे सामने तो टेक्नीशियन नहीं बैठे हुए, मुझे तो उनको ये चीजें समझानी है। तो इसलिए हमारा और उनका आपस में इस चीज का कंपटीशन है ही नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट, बल्कि दो तीन स्टूडेंट एग्रीकल्चर से आए, मैं उस दिन क्लास में था, लेकिन वो यहाँ पे जो हमारे जेंटलमैन बैठे हुए थे उनसे उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी हम ये कोर्सेज नहीं पढ़ना चाहते, तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहते हो यहाँ पे, कहते जी हमने बाहर पढ़ ली हुई, तो फिर अच्छी बात है फिर यहाँ क्यों आए हो, कहते जी उनके पास इक्विपमेंट तो नहीं था, उन्होंने तो हमें सिर्फ पढ़ा दिया, हमने तो कभी इक्विपमेंट को देखा भी नहीं है, तो क्या हम यहाँ इक्विपमेंट पे काम कर सकते हैं? तो कहने का मकसद है कि हम उनके साथ फिर इस एरिया में कंपटीशन करने की कोई हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम वो वाला काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने ये समझना होगा कि IPv4 कैसे काम करता है, और जेंटलमैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एड्रेसेस के बेस पे राउटिंग होती है, पाथ फाइंडिंग होती है,
जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूँ, तो जूम कहाँ है? वो तो अमेरिका में है, तो इसके मतलब मेरे पैकेट अमेरिका जा रहे हैं। तो किस तरह ये जा रहे हैं, दैट इज दी जॉब ऑफ द रूटिंग, दैट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस लेयर। सो बेटर दिस लेयर इज द बेस्ट द नेटवर्क विल बी, अदरवाइज सॉरी। इसलिए इसको समझना जरूरी। बहुत जरूरी। ओके जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं नंबर वन से कि जनाब क्या पहली बात हमने कही थी कि हम पढ़ना चाहते हैं, एंड दैट इज नेटवर्क लेयर करेक्टरिस्टिक्स। नेटवर्क लेयर करेक्टरिस्टिक्स, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इस लेयर साफ की? सो द आंसर इज के इस लेयर की और भी बताऊंगा, लेकिन ये चार बेसिक ऑपरेशंस हैं इस। क्या? नंबर वन, जैसे मैंने कहा एड्रेस, यहां पे उसने लिखा एड्रेसिंग एंड डिवाइसेस, मैं कहता हूं एड्रेसिंग ऑल डिवाइसेस। क्या हमारे सिक्योरिटी डिवाइसेस को एड्रेस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमारे इंटरमीडिएट डिवाइसेस को जरूरत नहीं है? राउटर को नहीं है, इंटरमीडिएट स्विचेस को नहीं है, वहां पे भी तो हम एसवीआईस बनाते हैं, उसको भी आईपीस देते हैं, तो इसका मतलब वहां भी जरूरत है। अगर हमारे लोड बैलेंसर हैं तो क्या उनको आईपी की जरूरत नहीं है? तो इसका मतलब है कि इसलिए लफ्ज एक इस्तेमाल होता है ऑल आईपी। एकदम बड़ी पुरानी हो चुकी है अब, कुछ साल पहले एक बड़ा वो इस्तेमाल भी आती थी ऑल आईपी। इसका मतलब है कि हर डिवाइस जिसने कनेक्ट होना है डेफिनेटली विल गेट एन आईपी एड्रेस, विल नीड एन आईपी एड्रेस। बात समझ आ गई? तो पहला काम इसका क्या है, एड्रेस देना। नंबर टू इसका काम है, इस लेयर नेटवर्क लेयर का काम है, जैसे मैंने पहले कहा, हेडर अपना बनाना, अपना हेडर बनाना। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा भी बता रहा हूं कि अगर ये मेरा फाइव लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, सो इट इज माय फिजिकल लेयर, दिस इज माय डेटा लिंक लेयर, दिस इज माय नेटवर्क। नेटवर्क लेयर, दिस इज हाँ माय ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज माय फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन। सो सॉरी एप्लीकेशन लेयर। गुड, अब यहां एप्लीकेशन लेयर पे क्या चीज पैदा होगी? मैसेज। दिस मैसेज विल गो टू द नेक्स्ट लेयर, एंड दिस नेक्स्ट लेयर विल अपेंड इट्स ओन हेडर, दैट द रीजन आई एम पुटिंग ए रेड वन, ताकि पता चले दिस इज अपेंडिंग, दिस नॉट द एडिशन। बाद लोग समझते हैं कि शायद पहले वाले डेटा पे मैं दूसरा वाला चीज ऐड कर रहा हूं, दिस इज नॉट द एडिशन, दिस इज अपेंडिंग। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोग कोई भी खरीदते हैं मार्केट से, लेट इट बी स्वीट्स, लेट इट बी कोई भी कपड़े, आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर अपेंड कर देते हैं एक रैपिंग पेपर, वो उसमें ऐड नहीं हो गया, उसने उसको अपेंड किया है। अब मेरे वहां उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। ओके, अब ये सारा कुछ, दोबारा ग्रीन पे जा रहा हूं, ये सारा कुछ विल गो टू द नेक्स्ट लेयर विच वी कॉल द पेलोड। व्हाट वी कॉल इट? पेलोड। पेलोड। एंड दिस पेलोड विल बी, इसके साथ अपेंड होगा अपना हेडर। तो हमारा कोर्स इस वक्त इस जगह पे है कि हम इस हेडर को पढ़ना चाहते हैं। फिर आपको पता है कि द सेम विल गो टू द नेक्स्ट लेयर विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, डेटा लिंक लेयर, एंड ए हेडर विल बी, हेडर एंड ट्रेलर विल बी एडेड फर्दर, एंड एडिशन ऑफ दीज हेडर्स एट ईच लेयर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो यहां पे ये वाली इनकैप्सुलेशन हो रही है, इसलिए मैंने ये सारी बात एक्सप्लेन की कि इस लेयर पे भी तो हेडर ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ हेडर इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो दैट द रीजन वन ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है एहसास? ओके, देन जैसे मैंने कहा कि एक तरफ हेडर लगाया गया, एक तरफ हेडर लगाया लगाया गया, तो किसी भी हेडर हटाना भी है।
अगर किसी ने हेडर लगाया किसी डिवाइस ने, तो कोई दूसरी डिवाइस उस हेडर को हटाएगी नहीं, एंड दिस हटाना ऑफ दी हेडर इज कॉल्ड डी इनकैप्सुलेशन या डी कैप्सुलेशन। तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। इसका मतलब है एड्रेसिंग, इनकैप्सुलेशन, डी कैप्सुलेशन, एड्रेसिंग, सॉरी एड्रेसिंग हम कर चुके हैं, एड्रेसिंग हम लिख चुके हैं, और फिर हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी वन थिंग। जैसे मैंने कहा कि बेस्ड अपॉन दी एड्रेसिंग दी फाइंडिंग द बेस्ट पाथ टूवर्ड द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड रूटिंग, इज कॉल्ड दी रूटिंग। तो वो भी इसका मतलब है कि इस लेयर का फंक्शन में आ जाता है। तो इसलिए हमें यहां पे बताया जा रहा है कि द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू अलाउ एंड डिवाइसेज टू एक्सचेंज डेटा। बेसिक मकसद तो यह है कि एंड डिवाइसेज आपस में डेटा शेयर कर सके, डेटा शेयर कर सके। मिसाल के तौर पे आई इस एम बात से क्या प्रेजेंट, मतलब कि फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर डेस्टिनेशन? ओके, क्वेश्चन ये पूछा गया क्या मतलब है फाइंडिंग द बेस्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन विच इज कॉल्ड रूटिंग, ये क्वेश्चन किया गया। आंसर ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, और अच्छी बात है कि क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। अगर ये मेरा एंड डिवाइस है, इसको नाम मैं दे देता हूं माई लैपटॉप, माई लैपटॉप, माई लैपटॉप। अब ये माई लैपटॉप कनेक्ट है थ्रू टू माई आईएसपी, विच इन इन प्रेजेंटली वेयर आई एम सिटिंग इज माई आईएसपी इज नया टेल। वेरी गुड, नया टेल। अब मुझे जाना कहाँ है, मेरी डेस्टिनेशन क्या है? प्रेजेंटली इज दी जू विच इज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आई वॉन्ट ए पाथ फ्रॉम विच आई वॉन्ट टू शो फ्रॉम दिस टू दिस आई एम शोइंग इन द डॉटेड, बट वी अंडरस्टैंड देर इज नो अ सिंगल लाइन फॉर मी कि मेरा नया टेल जो है वो जूम के साथ, मेरा नया टेल यूट्यूब के साथ, मेरा नया टेल फेसबुक के साथ, मेरा नया टेल व्हाट्सएप के साथ। फिर तो नया टेल बादशाह हो जाएगा कि हर एक के साथ एक एक लाइन यू डाल ले, इसलिए मैंने डॉटेड लगाया। इसके मतलब दिस इज अ वर्चुअल लाइन, ऑल्दो मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ देर इज अ लाइन, बट नॉट अ फिजिकल लाइन लाइक दिस, डायरेक्ट फिजिकल लाइन। तो व्हाट इज दिस सिनेरियो? हम नॉर्मली यहां पे इसको समझाने के लिए, और फिर मैं इसको रब करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। हम यहां पे ज़ूम करते हैं कि जी यहां पे एक क्लाउड है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, मतलब मुझे भी नहीं पता, नेटेल को भी नहीं पता, ज़ूम को भी नहीं पता, लेकिन एक क्लाउड है दरमियान में विच कंटेन्स मे बी हंड्रेड ऑफ डिवाइसेज, थाउजेंड ऑफ डिवाइसेज, मिलियंस ऑफ डिवाइसेज। सो आई एम कनेक्टेड टू दिस क्लाउड, आई एम कनेक्टेड टू दिस क्लाउड, एंड जूम इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस क्लाउड। सो आई थ्रो माई डेटा इन टू दिस क्लाउड, एंड नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द क्लाउड टू फाइंड अ पाथ टूवर्ड द जूम। ऐसा ना हो कि वो जूम तक यानी यूएस की तरफ पहुंचाने की बजाय कहीं रशिया की तरफ पहुंचा रहा हो डेटा, नो यूएस की बजाय वो जर्मनी की तरफ भेज रहा हो, स्पेन की तरफ भेज रहा हो, इटली की तरफ भेज रहा हो, नो। सो इट मीन्स इट हैज टू फाइंड अ पाथ टूवर्ड द यूएस एंड स्पेशली टूवर्ड द जू, बिकॉज यूएस में भी मिलियंस ऑफ डेस्टिनेशंस हैं। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड फाइंडिंग पाथ। अब इसी क्लाउड को अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, तो मैं यू साइड पे कह सकता हूं कि जनाब इट विल हैव समथिंग लाइक दिस, न्यूमरस डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर। अब वेन दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर लाइक हेयर, 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 मे बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इट मे बी ए पार्शली मैश। सो अब लाजमी तौर पे इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम हेयर, लेट बी फ्रॉम हेयर एंड माई यूएस इज हेयर, एज्यूम कर रहे थे माई डेस्टिनेशन इज समवेयर हेयर, तो अब ये भी हो सकता है कि वन से इधर टू पे ले जाएं, टू से थ्री पे ले जाएं, थ्री
थ्री से फोर पे ले जाएं, फोर से फाइव पे ले जाएं, फोर से फाइव से फिर टू पे आ जाएं, टू से फिर फाइव, सॉरी फाइव, इसको मैं आप सिक्स कह लेता हूँ, फिर इस पे आ जाऊं, फिर इस पे आ जाऊं, फिर इस पे आ जाऊं, और फिर आखिरकार इधर। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये इस क्लाउड मेरे लिए करे कि भाई वन के बाद ये टू ले और टू के बाद यहाँ थ्री ले। तो क्लाउड साहब कौन सा की अकाउंट के लिए बेहतर होगा? डेफिनेटली वन टू थ्री एंड नॉट रेड वन टू थ्री एंड नॉट द ग्रीन वन। दैट इज फाइंडिंग द बेस्ट पाथ टुवर्ड द डेस्टिनेशन। अगेन आई विल एक्सप्लेन फर्दर कि बेस्ट का मतलब क्या है, आप नोमान है या निहाल निहाल है? तो निहाल बेस्ट का क्या मतलब? सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन। अब फास्टेस्ट इसका मतलब रिलायबल। यह है कि मुझे, अल्दो इन्होंने फिर आगे बात की, इन्होंने कहा सबसे बेहतरीन, मुझे सबसे बेहतरीन की डेफिनेशन नहीं आती, सबसे बेहतरीन की मुझे नहीं आती। जिसे हम मिसाल के तौर पे अनीस कहता है कि सबसे बेहतरीन जो है वो केएफसी है, दूसरा कहता है कि नहीं जी मैकडोनल्ड जो है सबसे बेहतरीन है, कोई तीसरा आता है वो कहता है जी लेयर्स बहुत सबसे बेहतरीन है। तो हर एक की अपनी मर्जी, हर एक अपना बेहतरीन है, तो क्या यहां भी सबका अपना अपना बेहतरीन पे बात चलेगी? इसलिए याद रखें कि साइंस में, टेक्नोलॉजी में कोई चीज भी वर्स्ट नहीं होती, कोई चीज भी बेहतरीन नहीं होती, कोई चीज भी गुड नहीं होती, बल्कि यू हैव टू टेल कि जी ये बेहतरीन है। मिसाल तो के एफ सी बेहतरीन है क्योंकि इसकी सर्विस अच्छी है, मिसाल के तौर पे के एफ सी बेहतरीन है क्योंकि इसके प्राइस कम है, के एफ सी बेहतरीन है क्योंकि आप वहां पे जाएं तो आपको बड़ी गर्म चीज यानी ताजा चीज मिलती है। बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो है, जैसे मिसाल तो मैकडोनल्ड हमने कहा, जब आपने कहा ये चीप है, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है इससे, तो फिर मुझे कंपेरिजन समझ आया, हाँ यहाँ पे ये बात है पैसे बच रहे। तो यहां भी बेहतरीन, जब हमने बेस्ट कहा तो वी हैव टू डिफाइन व्हाट मीन बाय द बेस्ट। तो हर एक अपने अपने बेस्ट को लाएगा, कोई कहेगा जी जैसे उन्होंने कहा फास्ट है, कोई कहेगा कि रिलायबल है, कोई कहेगा कि ये ज्यादा कम पैकेट ड्रॉप करता है, ज्यादा बैंडविड्थ इसके पास है, वगैरह वगैरह। तो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस, बट एटलीस्ट मेरा जो क्वेश्चन मुझ पर किया गया, और मैं देखता हूँ कि दो तीन चैट में भी है, मैं उनको भी लेता हूँ, लेकिन ये एक्सप्लेन करना मकसद था कि राउटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी माई लैपटॉप से यानी सोर्स से माई डेस्टिनेशन जो कुछ भी हो सकता है उस तक पाथ फाइंड करना जो कि बेस्ट। अब वो बेस्ट ये भी हो सकता है शॉर्टेस्ट है, वो बेस्ट ये भी हो सकता है कि इट गिव लेस डिले, तो डिपेंड्स। लेकिन कम से कम इस चीज को हमने एक्सप्लेन कर लिया, करने की कोशिश की। मैं जाता हूं अपने चैट पे, और इसमें लिखा है पहले ओके सर, फिर लिखा है वी विल यूज ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। नॉट मस्ट जेंटलमैन, ओएसपीएफ इज जस्ट वन एग्जांपल, वी कैन यूज मेनी अदर। इट मे बी इवन दैट यू मे चूज द राउटिंग विच इज स्टैटिक, जिस मैंने अभी प्रीवियस आप उस क्लास में भी थे, इट माइट बी दैट इज डायनामिक एंड ओएसपीएफ इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डायनामिक, बट नॉट मस्ट, द ओनली ओएसपीएफ इज नॉट द आंसर। ठीक है आफाक, सर, राउटर को किस तरह पता चलेगा कि उसके लिए कौन सा पाथ जो है वो बेस्ट है? दोबारा आपकी आवाज दरम्यान में कट गई थी प्रॉब्ली। बोल, कौन बोल रही थी? सर, मेरा क्वेश्चन है कि राउटर को किस तरह पता चलेगा कि कौन सा पाथ उसके लिए बेस्ट है, ठीक है जी, किस बेस पे मतलब? बिल्कुल जी, ठीक है। अभी यही बात हम कर रहे थे, प्रॉब्ली जरवा या तहरीम में से कोई था, उस क्वेश्चन उसका ये कि राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट है। तो मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि राउटर इस चीज पे डिसाइड करे कि जनाब ये इस यहां तक मैं कम हॉप्स के जरिए पहुंच सकता हूं। जैसे मिसाल के तौर, तो हॉप का मतलब होता है इंटरमीडिएट डिवाइसेस। तो मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखते हैं ग्रीन वन को, तो मैं 9 हॉप्स से अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचा, जबकि अगर मैं यहाँ पे रेड भी वन लिख दूं तो आपको नजर आ जाएगा कि एक ग्रीन पाथ से मैं 9 के जरिए पहुंचा, 9 हॉप्स, 1 2 3 एंड ओके। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी टॉपिक को। तो हमने कहा कि तहरीम अजरवा जिसका भी क्वेश्चन था, वो अपने सवाल का जवाब नहीं, कि डिपेंड करता है कि आप किस, इसको बेसिकली कहते हैं कॉस्ट। तो आप
हर एक पाथ का कॉस्ट फाइंड करती है, जिसका कॉस्ट लो होता है आप कहते हैं ये पाथ बेस्ट। अब वो कॉस्ट किस बेस पे किया जाता है, डेफिनेटली मीट्रिक्स के बेस पे किया जाता है। अब वो मीट्रिक्स क्या है वो डिपेंड करता है, मे बी जैसे वन ऑफ दी मीट्रिक इज द नंबर ऑफ हॉप्स, जी एक में आप सिर्फ दो हॉप गुजरते हैं, यानी एक हॉप आपने किया और दूसरा हॉप आपने लिया और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, इट इज गुड। लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरा रास्ता, अगर मैं इसको ऑरेंज से रिप्रेजेंट करूं, वो ये लिया गया, ये लिया गया फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। यहाँ मेरी हॉप्स ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरी हॉप्स ज्यादा हैं ऑरेंज में। लेकिन हो सकता है कि ये वाला रास्ता जो रेड वन है, ये रास्ता रेड वाला, ये लेट करो 10 किलोबिट का रास्ता है, 10 किलो का, 10 किलो का, और उसके मुकाबले में ये वाला पाथ मे बी 1 गीग का है, 1 गीग का है, 1 गीग का है, और 1 गीग का है। तो लाजमी तौर पे यहाँ पे मुझे फास्टर, मतलब यहाँ पे जितना टाइम, मिसाल के तौर पे मेरी फाइल का साइज लेट करें 100 मैग का है, 100 मैग जब 10 KB पे जाएगी इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसमें डिले विल बी टू हाई। तो पाथ तो छोटा है लेकिन इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग। तो अगेन मैंने जैसे कहा कि, और आगे आप बात करेंगे कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स कोई एक बात पे डिब्बे को पर ही अपने आप को बेस्ट और वर्स्ट कह देता है, कोई मुख्तलिफ चीजों को मिला के और उससे कॉस्ट क्रिएट करता है, तो वो हम बाद में इंशाल्लाह इस पे बात करते रहेंगे। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्लियर हो गया? यस सर। आई डोंट नो इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम तहरीम और जरवा, लेकिन इन दोनों में से किसी की आवाज यस सर, थी, क्लियर है। क्लियर है? ओके, तो ये हैं कुछ फंक्शनैलिटीज ले। ओके, तो मैं कह रहा था कि व्हाट इट प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अलाउ एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा। ये बेसिकली ये लव्स, ये लाइन कम्युनिकेशन की लाइन के मकसद क्या है, एंड डिवाइसेस एक्सचेंज डेटा, उसमें हर लेयर अपना अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जी यूनिवर्सिटी का गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन देना, लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन में मुख्तलिफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मुख्तलिफ लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, उसमें फैकल्टी भी आती है, उसमें स्टाफ भी आता है, उसमें मैनेजमेंट भी आती है, उसमें गवर्नमेंट भी आती है, क्योंकि अगर कोई एक भी बुरा परफॉर्म करेगा तो क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पे टीचर खराब हो जाए, फैकल्टी खराब हो जाए, एवरीथिंग इज गॉन, यूनिवर्सिटी पैसे, गवर्नमेंट पैसे देना बंद कर दे, यूनिवर्सिटी इज क्लोज, मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली इन चीजों को नहीं लगा रही, इस्तेमाल कर रही, दैट इज वर्स्ट। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल उसी तरह ओवरऑल गोल कम्युनिकेशन का यही है कि अलाउइंग द एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज डेटा, टू शेयर द रिसोर्सेज। लेकिन हमने, क्योंकि लेयर थ्री का भी यही रोल है, यही ऑब्जेक्टिव है, यही विजन है, इसलिए हमने यहां पे लिख दी। फिर हमने कहा आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 आर द प्रिंसिपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स, बड़े प्रोटोकॉल ये दो हैं। क्या करते हैं, द नेटवर्क लेयर परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन, ऑपरेशंस, हेडर लगाना, हेडर हटाना यानी इनकैप्सुलेशन, डी इनकैप्सुलेशन, फिर एड्रेस देना, और एड्रेस की बेस, एड्रेस से नाम मिला और नाम से रास्ता ढूंढा गया, यानी कि राउटिंग की गई। क्लियर एवरीवन? ओके, सर ये आगे सर चल। एंड डिवाइस, मतलब इसमें इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी तो होते हैं क्योंकि राउटिंग बट करता है ना। जी राउटिंग जो की जाती है वो आपके मोस्टली, वो मोस्टली आपके, मिसाल के तौर पे आप किससे बात करना चाहेंगी, कभी आपने चाहा कि जी मैं यूटी के राउटर से बात करना चाहती हूँ? नहीं, आपने कहा कि जी मैं यूटी के वेब सर्वर से बात करना चाहती हूँ, मैं यूटी के जो उनका जी वो है डेटाबेस सर्वर है। तो नॉर्मली कम्युनिकेशन जो होती है वो, जिसके लिए नेटवर्क बना है, वो है एंड डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना। लाजमी तौर पे उसमें इस कम्युनिकेशन में इंटरमीडिएट डिवाइसेस का, सिक्योरिटी डिवाइसेस का एक मेजर रोल है।
हम उसको उसको नहीं कह रहे कि उनका रोल नहीं है, लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इस क्वालिटी एजुकेशन में दो प्राइम हैं, एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट्स। ये दो अगर अपना काम करें तो दूसरों की थोड़ी बहुत कमियां जो हैं, खामियां जो हैं, वो बर्दाश्त की जा सकती हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने सबसे पहले, आपको पहले से भी पता है, लेकिन हमने यहाँ पे इन आईपी इनकैप्सुलेशन, यानी कि इनकैप्सुलेशन तो हर लेयर पे है, लेकिन यहाँ पे हमने आईपी इनकैप्सुलेशन, ये नेटवर्क इनकैप्सुलेशन की बात। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि आपको पता है कि इससे ऊपर आपकी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर ने अपना मैसेज दे दिया ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना हेडर लगा दिया, और इस वजह से अब हमने इसको मैसेज कहने की बजाय हमने इसको सेगमेंट कह दिया। अब ये पूरा का पूरा जो कि अब पीडीयू भी इसको कह, सेगमेंट भी कह सकते हो, पीडीयू भी कह सकते हो, किस लेयर का? ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू, दैट पीडीयू और सेगमेंट यहां पे आके बैठ गया, यहां पे आके बैठ गया। देखो वो भी ग्रे है, यहां भी ग्रे बनाया गया ताकि आपको क्लियर हो कि ये सारा आइटम, ये सारा आइटम, ये जो कि पूरा सेगमेंट है वो नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया गया। नेटवर्क लेयर ने अपने 20, अपने 20 या 40 बाइट्स ऐड कर दिए। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक, ओके नेहा। तो हमने कहा आईपी इनकैप्सुलेट्स दी ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट आता है आईपी लेयर उसके साथ अपना हेडर अपेंड कर देती है। ऐड नहीं कह रहा, क्योंकि जब मैं गलती से ऐड का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि पहले मिसाल के तौर पे 1110 था, उसमें 0011 ऐड हो गया और एक रिजल्ट, नया रिजल्ट आ गया। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पेंडिंग है, नॉट एडिंग। ठीक, फिर हमने कहा इट कैन, आईपी कैन यूज इधर IPv4 और IPv6, तो अब आपकी चॉइस पे वो करता है। एंड नॉट इम्पैक्ट द लेयर 4 सेगमेंट, यानी इसके लिए जरूरी नहीं कि लेयर 4 को भी अब तब्दील करो, क्योंकि मैंने IPv4 से IPv6 में आ गया हूं। तो सबसे बड़ी नेटवर्क की कामयाबी की रीजन एक यही है कि अगर आप किसी एक लेयर पे कोई भी चीज इंप्रूव करते हो, लाजमी नहीं कि आप दूसरी लेयर्स को भी छेड़ें या कहें जी ये मेरा सोल्यूशन तो काम करेगा, ये तो आसमान से तारे भी लेकर आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये सूरज भी जमीन पे ले आएगा, लेकिन बाकी तो अपने आप को ठीक करें। तो वो अगले कहते हैं हमने ठीक नहीं होना, तुम अपने आप का काम करो। तो इसलिए दिस इज इट डजंट डिपेंड कि आपने अपर लेयर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर कोई अपने आप में चेंज लाना है, वो अपना काम उसी तरह परफॉर्म करेगा। कहते हैं आईपी पैकेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय लेयर 3 डिवाइसेस, वो डिवाइस जो के लेयर 3 को समझती है, सिर्फ वो ही इस हेडर को पढ़ सकती है। ठीक है ना? अगर कोई, हम कहेंगे कि ये बंदा जिसको स्पेनिश आती है वही, वो जो स्पेन का होगा वही स्पेनिश समझेगा, जो जर्मन, जर्मनी का होगा, जर्मन होगा वही जर्मनी को, जर्मन लैंग्वेज को समझेगा। तो जो जहां आईपी लेयर 3 को समझेगा वही इस हेडर को पढ़ सकता है और उसके मुताबिक एक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि आपके पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल है और उस ट्विस्टेड पेयर केबल के दोनों एंड पे कनेक्टर भी लगे हुए हैं, यानी एक एंड आपके लैपटॉप पे लग जाएगा, दूसरा एंड आपके स्विच में लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन क्वेश्चन ये, क्या ये मीडियम को लेयर 3 की समझ जरूरी है? आंसर इज नो, क्योंकि वहां कोई लेयर 3 नहीं है। दिस मीडियम इज पार्ट ऑफ दी फिजिकल लेयर, इसका लेयर 3 के साथ क्या तलन? फिर अगर निहाल मैं कहूं कि मेरे पास एक हब है, अब हब क्या वो लेयर 3 के काम में इन्वॉल्व होती है? आंसर इज नो। एंड व्हाई नो? क्योंकि निहाल क्या जवाब देना चाहेंगे? लेयर 1 पे है, हब इज ऑन लेयर 1, उसका मकाम लेयर 1 है बस।
उसको औरों के साथ कोई काम नहीं है कि लेयर टू और लेयर थ्री की बातें समझना शुरू कर दे, नहीं। इसी तरह अगर लेयर टू स्विच है, इथरनेट स्विच है जो आपके सामने नजर आ रहा है, अगेन इसका कोई काम नहीं है लेयर थ्री के साथ, ये नहीं समझता लेयर थ्री को। तो इसका कहने का मकसद ये है कि हर वो डिवाइस जो लेयर थ्री को डिवाइस को समझती है, वही इस आईपी पैकेट को, यानी कि नेटवर्क लेयर के पैकेट को, यानी कि नेटवर्क लेयर के हेडर को समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि द आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर ये मेरा लैपटॉप है, माई लैपटॉप, और माई लैपटॉप के बाद मेरी डेस्टिनेशन, अगेन वी आर अज्यूमिंग टू बी जूम, और आई रीच फ्रॉम हेयर टू द जूम, आई डोंट नो बट इट टेक्स मल्टीपल हॉप्स टू रीच द जूम। एग्री? कैसे कह सकता हूं जी ये बात? देख लेते हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ जूम का ये देख लूं कि उसका यूआरएल क्या है। जूम जूम डॉट यूएस, जूम डॉट यूएस, ठीक है जी। जूम डॉट यूएस के साथ हम यहां पे करता हूं ट्रेस आरटी, जूम डॉट यूएस। देखिए जी, जूम डॉट यूएस का ये आईपी है। जूम डॉट यूएस का मुझे तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया कि जूम डॉट यूएस का क्या आईपी है, 170.114.52.2। कैसे पता चला नोला मुझे? मुझे तो नहीं आता जूम का, मुझे तो फेसबुक का भी नहीं आता। और क्या ख्याल है निहाल? अच्छा क्या ख्याल है? डीएनएस ने दिया, मुझे ट्रेस आरटी ने ये नहीं दिया। मुझे ये, अगर मैं ऊपर इसको आपको दिखा सकूं, तो जितने मैंने यहां पे करता रहा, हर वक्त मेरे पास एक अदर डीएनएस मौजूद है। ये इसका काम है कि जूं ही मैंने इसको कहा जूम डॉट यूएस, वो उस 8.8.8.8 जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे इस वक्त, इसने बताया कि जनाब इसके पास जाना है, ये इंग्लिश नहीं समझता कंप्यूटर, ये जूम डॉट यूएस नहीं समझता, ये जूम डॉट ऑर्ग भी नहीं समझता, ये जूम डॉट कॉम भी नहीं समझता, ये इंग्लिश उसको आती ही नहीं है, बड़ा नालायक है, इसको सिर्फ वन एंड जीरोज का पता है। तो ये सबसे पहले डीएनएस के पास गया, जो कि ये मशीन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसने जवाब दिया कि जनाब इसका इसका आईपी ये है 170.114.52.2, ये है IPv4। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले मेरे राउट मेरे गेटवे पे, देखना मेरा गेटवे क्या है, चेक कर, ये अपने पास नोट कर ली, 10.137.16.5। तो देख लेते हैं मेरा गेटवे यही है, उस वक्त तक ये चलेगा। और निहाल ने क्योंकि अपने पास लिख लिया है, तो निहाल हमें गाइड कर देंगे कि क्या वाकई इसका गेटवे, मेरा गेटवे ये, सॉरी बार बार चल, यो डॉट फाइव था, लेकिन ट्री और आ जाती है तो मुझे यहाँ पे ये देख लें 10.5, 10.137.10.5, 16.5, सॉरी ठीक है ना। यस सर, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 16.5, तो ये 16.5, उसके बाद ये नेक्स्ट हॉप है। फिर मैं इस्लामाबाद जो हमारा यूनिवर्सिटी का आईपी है उसके पास गया, 121 डॉट जो मेरा पब्लिक आईपी है, ये मेरे प्राइवेट आईपी थे, हम इसमें बात करेंगे कि पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है। फिर इसने मुझे यहां भिजवाया, फिर यहां भिजवाया, फिर यहां भिजवाया, देखिए मुझे भिजवाया ही जा रहा है। तो कुछ देर में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहुंच गया। फिर हम तो कितने, अभी तो आप माशाल्लाह इधर देखिए मेरी रिकॉर्डिंग भी टकाटक जा रही है, अभी मैं कराची पहुंचा हूं,
टीटीसीएल का कराची का ये एड्रेस है, तो मैं कराची पहुंच गया हूँ। कराची से आगे मुझे कहाँ भेजा जा रहा है अभी पता चल जाएगा। 11 हॉप्स हो गई हैं अभी, मैं जूम के पास है, अभी तो अपने मुल्क से नहीं निकला, अब जाके मैं कहीं मुल्क से निकल गया हूँ। Equinix.com पे, फिर Global.net पे, मुख्तलिफ इन बिटवीन मशीन्स हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा और अभी मैं 14 हॉप्स गुजर चुका है और नहीं पहुंचा। आखिरकार मैं 172.14.114.52.2 विच इज जूम मैं यहाँ पहुंचा। ये राउटर खुद ही डिसाइड करता है कि किस तरह से बात रूट अपना, कि हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर इस तरह से करेंगे। अच्छा, तो बात ये समझ में आई कि आप तो एक लिखते हो माशाल्लाह www.zoom.us, www.uetpeshawar.edu.pk, पीछे ये सब कुछ हो रहा होता है। वहां तक पहुंचने के लिए मे बी 10 हॉप मे बी, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा करूं, हो सकता है अभी भी 14 ना हो, 14 से 13 हो जाए, 13 से 15 हो जाए, आई डोंट नो। मिसाल के तौर पे अगेन देख लेते हैं, दोबारा इसको कहते हैं, और इवन ये भी मुमकिन वो नहीं है, मस्त नहीं है कि इसी रास्ते से गुजरेगा। हाँ, गेटवे मेरा एक ही है, दरवाजा एक ही है, तो एक ही से गुजरूंगा। उसके आगे जो मेरा नया टहल है वो एक ही है, देखो वही पन तक पहुंच गया। अब आगे किस्मत, इट मे बी सेम इट मे बी डिफरेंट। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्वेश्चन ये पूछा गया ऑनलाइन से कि क्या ये रास्ते हमको राउटर को ये कॉन्फ़िगर करते हैं कि जी ये करो। नहीं, हम अगला कोर्स जब पकड़ेंगे, नहीं अगला नहीं, अगले से अगला, विच इज अबाउट द इंटरप्राइज नेटवर्किंग, वहां पे हम आपको डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ाएंगे। ये उनका काम है कि वो मालूम करें कि किस तरह आप अपने, किस तरह राउटर डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज, बेस्ड अपॉन देयर व्हाट इज देयर मीट्रिक्स। तो अभी देखें 13 तकरीबन हो गए हैं, अभी तक मैं नहीं पहुंचा, 14 भी मुझे नहीं पता कि मैं पहुंचता कि नहीं पहुंचता, कि तो यहां भी 14 में पहुंच गया, गुड, लाजमी नहीं था। क्लियर हो गई मेरी बात? ऑनलाइन वालों को भी जवाब मिल गया कि ये काम राउटर को हम कन्फिगर करके नहीं करते, राउटर में ऑटोमेटेड मेथड्स हैं जिनको हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, उनकी मदद से ये सारा काम होता है। ठीक, लेकिन मैं जिसके लिए गया था वो ये कि अगर ये काम में मेरा आईपी क्या है जो भी था, डेस्टिनेशन का आईपी क्या था ये था, तो मेरा आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी जब जू जू मैं इन नोड से गुजरता रहा, मेरा और डेस्टिनेशन का आईपी तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि सोर्स भी नहीं बदल सकता क्योंकि मैंने तो भेजा है, कैसे मेरा मुझे बदल देंगे, और डेस्टिनेशन भी नहीं बदल सकता क्योंकि उस तक तो मुझे पहुंचना है। तो यही वो बात कर रहा है यहां पे एजाज कि आईपी एड्रेस डज नॉट चेंज फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। आप अपने किसी भी सोर्स से, सोर्स आप हैं, लाजमी तौर पर जवाब आपको आना है, तो अगर आपको जवाब उसने देना है तो आपका एड्रेस अगर तब्दील कर दिया गया तो इसका मतलब कि वो जवाब किसी और को जाएगा, तो दिस इज नॉट अलाउड। क्लियर? तो इसलिए हमने कहा कि जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें सोर्स का एड्रेस बदल जाता है, सोर्स का एड्रेस बदल जाता है एक स्पेशल केस में कह लें, जो कि IPv4 में तकरीबन ऑलवेज इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या बताएगा हमें एक्सपर्ट? सोर्स का आईपी बदलना होगा, ये वो एग्जाम करता होता है। ये अच्छा जवाब है, ये कौन सा कहां पे ये लाउंग करता होता है? अच्छा, तो आंसर ये है वो नहीं जो आप कह रहे हो, उसको कहते हैं आईपी स्पूफिंग, कि आप अपना आईपी एड्रेस बदल देते हो, दैट इज का आईपी स्पूफिंग, दिस इज नॉट आईपी स्पूफिंग। मिसाल के तौर पे मेरा आईपी क्या था, मेरा आईपी 10.1
10 पॉइंट समथिंग, अभी आप लोगों ने देखा कि जी को 10 पॉइंट में समथिंग था, यस सर, ये 10.137.16 डॉट है, ये मेरा आईपी है, माय मशीन आईपी 10.137.16.36 इस वक्त जिस पे मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं माय आईपी एड्रेस, माय आईपी एड्रेस और इंटर कर दूं, कहते जी आपका आईपी ये है, क्या है मेरा आईपी 121.52.147.66। तो जब मैं यूजूम के पास जा रहा हूं उसको ये 10 का वाला एड्रेस नजर नहीं आ रहा, उसको ये एड्रेस नजर आ रहा है। क्या एड्रेस नजर आ रहा है 121.52.147.66। ये कैसे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ये बताना चाहता हूं। द आंसर इज निहाल के आंसर ये है कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेसेस के दो डिफरेंट मेन क्लासेस हैं। एक को कहते हैं आईपी वर्जन, सॉरी एक को कहते हैं प्राइवेट एड्रेसेस और एक कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेसेस, एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और एक पब्लिक आईपी एड्रेस। अब आईपी फोर में ये मसला आया क्योंकि शायद हमने इनिशियली ये सोचा ही नहीं था कि मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमने ये लैब बनाई, एकेडमी बनाई और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 3 + 3 = 6 = 9 = 12, चलें पीछे बिठा लें तो 15 20 लोग। लेकिन हमने शायद ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पे 40 लोग भी आ सकते हैं क्लास में, उनके लिए ये अब सूटेबल नहीं रहा। अब हल क्या है, यहाँ पे भी यही था कि हमने कहा IPv4 कितने बिट्स, 32 बिट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास 3 बिट्स हो अनीस, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, 8 2 पावर 3 8, अगर 4 हैं तो 16, 32 हैं तो 2 पावर 32 विच इज 4.3 बिलियन, विच इज 4.3 बिलियन। फर्दर क्या हुआ कि इस 4.3 बिलियन में भी बहुत से एड्रेसेस जाया हुए, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इन्हीं चैप्टर्स में। अब इशू ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट तो माशाल्लाह सभी घर चले गए, खाना खाना शुरू हो गए, एनी ऑफ तो हम बात ही कर रहे थे कि हमारे जो एड्रेसेस हैं लेट करें कि वो 2 बिलियन रह गए, 2.5 बिलियन रह गए, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता लेकिन कुछ नंबर रह गए, चलिए ये अज्यूम कर लें सारे ही इस्तेमाल हो गए, कहने में क्या हर्ज है, होते नहीं है लेकिन वो एक्सप्लेन कर दूंगा, कहने 4 बिलियन है लेकिन डिवाइसेस तो मेरे पास 20 बिलियन से भी ज्यादा है। तो मेरे पास नाम जो कि यूनिक होना चाहिए वो 4 बिलियन है, जिनको देना ही है नाम वो 20 बिलियन से भी ज्यादा है। तो फिर हल क्या है, हल हमने ये किया कि हमने अपने इदारों में एक एड्रेस लिया, इन्हीं 4 बिलियन एड्रेसेस में से उठाया और उनको हमने कहा ये प्राइवेट एड्रेस है, यानी कि ये एड्रेस कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपने इदारे में, सिर्फ उसको बस ये करना होगा कि अपने इदारे में इसको यूनिक रखे, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये यूनिक नहीं, क्योंकि वही एड्रेस DCSE भी इस्तेमाल कर रहा है, वही एड्रेस इस्लामिया कॉलेज भी इस्तेमाल कर रही है, वही एड्रेस सिविल भी इस्तेमाल कर रही है, इलेक्ट्रिकल भी कर रही है, जलोजई भी कर रही है, एवरीवन कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट ग्लोबली यूनिक। तो अगर मिसाल तो वही एड्रेस जैसे अभी आपने देखा 10 dot something by address, the same address may be used by at your home, at your business, because they are private, anyone can use without any permission. तो अगर मुझे कोई इस एड्रेस पे कोई भेजे तो किसको जाएगा, मुझे आएगा
इलेक्ट्रिकल में जाएगा, सिविल में जाएगा, पीएमयू में जाएगा, सरहद में जाएगा, सीकॉस में जाएगा, कि आपके घर पे जाएगा, सिस्टम तो सारा का सारा मसले में पड़ जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये किया गया कि हमें एक ग्लोबली यूनिक आईपी चाहिए, जिसको कहते हैं पब्लिक आईपी चाहिए, जो ये अभी आपको मैंने 121 वाला आईपी बताया था, दैट इज ए पब्लिक आईपी एड्रेस विच हैज बीन गिवन टू यूटी पिशावर, विच हैज बीन गिवन टू यूटी पिशावर। अब होता क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यूटी पिशावर को एक एड्रेस मिल गया, जो कि अभी आपने बताया था कि कोई 121.52, चलिए बस दो ही करेक्टर लिख रहे हैं, .52 है, और मेरे डिवाइस का आईपी जो था वो 10.136 समथिंग, 137 137 समथिंग है। तो ये प्राइवेट है, ये यूनिक वर्ल्ड वाइड ग्लोबली नहीं है, ये ग्लोबली यूनिक है। तो होता क्या है कि हर पैकेट मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से, विच इज यूटी इन दिस केस, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से पैकेट इसी आईपी के साथ बनता है, यहां पे आ जाता है। लेकिन ये डिवाइस जो कि राउटर है, ये एक स्पेशल टास्क करता है राउटिंग के अलावा, वो ये करता है कि हर पैकेट जो इसके पास आता है, ये उसका आईपी हटा देता है, क्योंकि पता है कि ये आईपी अगर भेजूं तो ये तो यूनिक वापस जब जवाब आएगा, तो सवाल तो पाकिस्तान से गया, हो सकता है कि जवाब जो है वो ईरान में जाए, और ईरान में भी ना जाए, मल्टीपल जगहों पे जाए, ईरान में भी जाए, अफगानिस्तान में भी जाए, श्रीलंका में भी जाए, मालदीप में भी जाए, एवरीवेयर जाए, ये तो कोई बात ना बनी। इसलिए क्या करता है कि इसको, इसका ये आईपी हटा के और अपना ये यूनिक आईपी उसके साथ लगा देता है, क्योंकि यूनिक है, ये अब जूम तक पहुंच गया, जूम तक जिसका एड्रेस को 170 समथिंग अभी हमने देखा था, हमने देखा था कि जूम का आईपी जो है वो 170 समथिंग, 170.114.52.2, तो मैं जस्ट 114 लिख लेता हूं फॉर दी सिंप्लिसिटी, क्लियर। तो अब इसके दरमियान जितने भी, अभी आपने देखा जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस आएंगे, जितने भी इंटरमीडिएट डिवाइसेस आएंगे, वो सोर्स इसको समझेंगे और डेस्टिनेशन इसको समझेंगे। अब ये रास्ते में ये एड्रेस कभी भी तब्दील नहीं होगा, और ये चीज जूम तक पहुंच जाएगी। जूम भी इसको जब मुझे जवाब दे रहा है, जूम भी जब मुझे जवाब दे रहा है, तो क्या हो रहा है, जूम भी मुझे जब जवाब दे रहा है निहाल, तो इस एड्रेस पे मुझे दे रहा है, विच इज 121.52। जब यहां पहुंचता है तो राउटर साहब समझता है, उसको पता है कि मैं तो राउटर हूं, मुझे, मैं तो एंड डिवाइस नहीं हूं, लेकिन उसको पता है कि मैंने ये 152 डॉट ये एड्रेस जब लगाया था तो सोर्स क्या था, 10.137। वो इसको दोबारा ट्रांसलेट करता है इस एड्रेस को, इस 10.137 के साथ ट्रांसलेट कर देता है, और यूं ये वापस मेरे माई लैपटॉप तक जवाब आ जाता है। इस संबल को कहते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि हम प्राइवेट से पब्लिक में ट्रांसलेट करते हैं और फिर हम उसको इंटरनेट के ऊपर छोड़ देते हैं, जवाब आता है, हम उसको वापस पब्लिक आईपी को प्राइवेट में ही कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट नहीं कह रहा, ट्रांसलेट करते हैं, और क्योंकि वो एड्रेस अब लोकल नेटवर्क में यूनिक है, तो फिर अब ये जापान और अमेरिका और सिविल और इलेक्ट्रिकल नहीं जा सकता, सिविल और इलेक्ट्रिकल में नहीं जा सकता। और ये वाला एड्रेस हमेशा 32 बिट का ही होगा कि 128 का भी हो सकता है? वन किसका क्वेश्चन है, किसका मेरा क्वेश्चन है मेरा, द आंसर इज, द आंसर इज कि क्या ये 128 का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने कहा इट माइट बी, यू माइट बी यूजिंग आईपी वर्जन 4 और यू माइट बी यूजिंग आईपी वर्जन 6, तो उस पर कोई पाबंदी, लेकिन इस वक्त हम जब जिस चैप्टर में जाएंगे उसके मुताबिक इसको डील करेंगे। लेकिन इसलिए वो यहाँ पे ये लफ्ज लिखा हुआ गूगल पर मैंने वहां इसको, लिखा था नॉट आइडेंटिफाइड आईपी वर्जन 6। हाँ इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये किया गया
कि जनाब जनाब जनाब, क्वेश्चन ये किया गया कि यहाँ पे वो कहता है कि इसका IPv6 मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब है यूटी का काम उस वक्त से स्टार्ट हुआ जब IPv4 थे, इन्होंने IPv4 लिया, बाद में इन्होंने कभी भी IP नहीं लिया, IPv6 नहीं लिया, अगर लेते तो यहाँ नजर आ जाता, इसलिए वो कहता है नॉट डिटेक्टेड। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि दोनों एड्रेस होना जरूरी है, कोई एक भी है तो आपका काम चलता है। तो बास कंपनियों ने जब एक्सटेंशन की, अपने आप को एक्सटेंड किया, तो उनको IPv4 खत्म हो गए हैं, IPv6 लेना शुरू कर दिया। क्लियर एवरीवन? क्लियर है? आगे चलते हैं जी। मैं का कोई और सवाल है? सवाल किसका है? मेरा। ओके आगे बढ़ते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया कि जस्ट एक इस केस में आपका आईपी एड्रेस एक दफा तब्दील होता है नेट के, अगर नेट नहीं है जो कि IPv6 में जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर आपका ये मैक एड्रेस, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा, हर एक हॉप पे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक बदल जाता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक बदल जाता है। यहाँ पे ये बोला खेल हरगिज नहीं। प्राइवेट एड्रेस आईपी एड्रेस तो मल्टीपल डिवाइसेस से आईपी एड्रेस से राउटर को रिक्वेस्ट करें, फिर उसको कैसे बदल रहे हैं डेटा किस पर डिस्कस करते हैं? अगेन क्वेश्चन ये पूछा गया अनीश का कि क्या जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो यूनिक ना हो? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप मिसाल के तौर पे अभी इस पे क्लास खत्म हो, तो आप दो बंदे कोई भी जिनके पास लैपटॉप है, आप लोग ये ट्राई करें कि तो इसी वजह से हम डायनेमिक आईपीज पे ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि राउटर को पता है कि अगर ये वाला आईपी मैंने दे दिया है, इसका मतलब डेट इज इन यूज, वो आईपी मैं किसी और को कभी भी नहीं असाइन करूंगा। दूसरी बिल्डिंग हाँ, अगर कोई और उससे करता है तो डेफिनेटली उस नेटवर्क के अंदर वो नहीं है, फिर वो दूसरा नेटवर्क है, वो दूसरा नेटवर्क है, उसमें अगर वो करता है तो ठीक है, उसका फिर उसका अपना फिर एक राउटर होगा जिसके ऊपर ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन अगर वो एक ही नेटवर्क, जैसे आसान सी एग्जांपल, अभी क्लास खत्म हो तो आप लैपटॉप है नहीं है तो खैर है, आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास है, आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी हमारे डिवाइस से कनेक्ट हो, लेकिन डायनेमिक को खत्म कर दी, आईपी पर एक एक आईपी पर वहां से पढ़ लें कि क्या आईपी है, मिसाल तो मैंने लाख का जो भी आईपी है ड्यूरॉम को ना करें उसको भी करें, कोई मसला नहीं, जो दिल चाहता है करें, और वही आईपी एड्रेस आप अपने पीसी के ऊपर भी स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दें, क्योंकि डायनेमिक तो आपको मिल नहीं सकता, इसलिए कहा कि ड्यूरॉम ना करें क्योंकि शायद ये ड्यूरॉम पे कनेक्ट होता है बाकी नहीं हो सकते। तो आप क्या करें, आप हमारे नेटवर्क को इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे यू मे शुड बी यूजिंग एनी वन ऑफ देम, सिस्को लैब और सिस्को एडमिन और सिस्को कैट, इस पे एक बंदा कनेक्ट हो जाए और अपना एक आईपी उसको मिल जाएगा, दूसरा बंदा ये करे इसी नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश करे और अपना आईपी जो है वो दे जो उसका है, आपको एक आएगा कि ये आईपी ऑलरेडी इन यूज है, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन हुई है और दोनों ने काम करना छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात? तो ये मुमकिन नहीं है कि एक नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क में प्राइवेट एड्रेस ये है, लेकिन इट शुड बी यूनिक विद इन द बाउंड्री, विद इन द लैंड, या इट इज नॉट यूनिक विद इन द ग्लोब। उस मसले को हल करने के लिए हमने नेट लगा लिया। क्लियर हो गई बात? ओके, देन इज दी नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दी कि और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इस, वो तो हमने कहा एड्रेसिंग पढ़ा है ना, इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, राउटिंग, इसके अलावा कुछ ये फीचर्स भी, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी इस लेयर की हैं। सबसे पहली क्या है? कनेक्शनलेस। सबसे पहली क्या है? कनेक्शनलेस। और याद रखें कि स्पेशली नेटवर्क के डिजाइन में, नेटवर्क के डिजाइन में
एक प्राइम हमारा डिजाइन गोल है और वो है सिंप्लिसिटी। चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करो, कॉम्प्लेक्स करोगे तो मसाइल में पड़ोगे। थिंक, कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। और ये प्रोग्रामर्स का एक बहुत बड़ा, आप लोग क्योंकि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर के लोग हैं और इलेक्ट्रिकल के भी, का यही गोल है। ये बड़ा गलत हमने यहाँ पे ज़ूम कर लिया कि उनका ये गोल नहीं है, इसी वजह से वो मसले में पड़ गए हैं। उनको अपना इस चीज को बड़ी जल्दी बदलना होगा अगर उन्होंने मार्केट में जिंदा रहना है। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल बिहाइंड ऑल द प्रोटोकॉल्स, कीप देम सिंपल एज पॉसिबल। तो यहाँ पे भी वही हमारा गोल है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तीन। नंबर वन, कनेक्शन लेस। नंबर टू, बेस्ट एफर्ट। एंड नंबर थ्री, मीडिया इंडिपेंडेंट। नंबर फोर, अनरिलायबल। नंबर फोर, अनरिलायबल, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, क्या मतलब है कनेक्शन लेस का, क्या मतलब है बेस्ट एफर्ट का, क्या मतलब है मीडिया इंडिपेंडेंट का, क्या मतलब है अनरिलायबल का। तो एजाज, कनेक्शन लेस का मतलब ये होता है, एक तरफ कनेक्शन लेस है, इसके अपोजिट अगर होता तो हम कहते हैं ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन है ओरिएंटेड है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मोबाइल पे किसी को भी कॉल करता हूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ देर लगती है उस तक पहुंचने के लिए। और आपको यहाँ पे आ रहा होता है रिंगिंग, आपको आ रहा होता है रिंगिंग, क्या हो रहा था उस वक्त? उस वक्त ये चेक किया जा रहा होता है कि आपके और आपकी डेस्टिनेशन, चाहे वो डेस्टिनेशन साथ बैठी हुई है, चाहे वो डेस्टिनेशन इस मुल्क के किसी दूसरे शहर में है या किसी दूसरे मुल्क में है, तो देखा यह जाता है कि वहां तक रिसोर्सेज अवेलेबल है। नंबर वन। नंबर टू, क्या वो डिवाइस जिसको आप डेस्टिनेशन कह रहे हो, क्या वो विलिंग भी है आपसे बात करने के लिए? अगर वो आपका ग्रीन बटन प्रेस कर देता है तो वो रिसोर्स, इसका मतलब है कि आपके और उसके दरमियान में एक कनेक्शन बन गया है। और फिर आप उस कनेक्शन के ऊपर चाहे 1 घंटा बात करना चाहें या डेटा भेजना चाहें या वट एवर करें, यस यू कैन। इसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। ये रिसोर्सेस पहले चेक किए जाते हैं, अगर रिसोर्सेस नहीं है कनेक्शन नहीं बनता। फिर अगर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब चैनल्स हैं, तो दरमियान में स्विचिंग कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। और फाइनली, इवन आपका आपका डेस्टिनेशन ड्रिंक जा रही है, वो देखता है, कहते हैं अनिसी का है प्रेज, इसे मतलब है कि ही इज नॉट विलिंग, इसका मतलब है कि कनेक्शन नहीं बना, बात नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसके मुकाबले में दूसरा तरीका यह है कि मे बी आप लोगों ने कभी पोस्टल सर्विस के जरिए कभी किसी को लेटर लिखा है? पोस्टल सर्विस समझते हैं, पोस्ट सर, ऑफिस के जरिए। ओके, तो अब इसका मतलब है कि चीज ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, लेकिन ना ही कंफर्म है कि कोई चैनल या कोई इसको है, और ना ही हमें पता है कि वो डेस्टिनेशन में मौजूद है या नहीं है। इस किस्म की कम्युनिकेशन को कहते हैं कनेक्शन लेस। इस किस्म की कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस। तो आईपीवी, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की जी, बिल्कुल। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन क्या कहते हैं? कनेक्शन लेस। तो इस क्यों हम इसके लिए, क्योंकि आईपी का काम ये नहीं है। ओके, तहरीम, तहरीम कह रही है कनेक्शन लेस को दोबारा एक्सप्लेन कर। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ देर में ये ली थी कि
कि हमने एक एड्रेस लिखा जिसमें डेस्टिनेशन तहरीम है, और उसका हमने चले आसान उसको कर लेते हैं, चले हमने कहा कि जी तहरीम और हॉस्टल नंबर 1। अब हॉस्टल नंबर 1 जो है वो गर्ल्स का है ही नहीं, वो बॉयज का है। फिर हमने उसके नीचे प्रॉपर लिख दिया यूटी पिशावर, और नीचे लिख दिया केपीके पाकिस्तान, और बाहर से ये चीज आ रही है। अब डेस्टिनेशन भी ठीक है, लेकिन हॉस्टलेट में वो डेस्टिनेशन कभी भी नहीं है। हॉस्टलेट तो बॉयज का हॉस्टल है, इसी मतलब जब वो चीज वहां पहुंचेगी पता चलेगा यहाँ तो कोई तहरीम है ही नहीं। और चले हमने साथ ये भी लिख दिया तहरीम फीमेल, ताकि पता चले कि फीमेल का है, वो कहेंगे ये नहीं है तो वुमेन चैलेंजेस तो नहीं है, इसका मतलब कि डैट विल बी सिंपली ड्रॉप। जब तक ये कंप्लीट ना लिखा हो कि तहरीम गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर फलाना, हमें नहीं पता कि तहरीम का क्या है, रूम नंबर फॉर एग्जाम्पल 25 लेट इट बी, एंड देन यूटी पिशावर एंड केपी के पाकिस्तान, तब ये जा चीज उस तक पहुंचेगी। लेकिन लिखने भेजने वाले ने पहले तहरीम से कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि क्या मैं आपको कोई ईमेल भेज सकता हूँ या मैं आपको कोई मैसेज भेज सकता हूँ, नहीं, उसने भेज दिया। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? कनेक्शनलेस। तो हमारा आईपी भी जो है वो इस चीज का ख्याल नहीं करता कि डेस्टिनेशन है या नहीं, चैनल है कि नहीं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि चीज जाए, अगर ठीक हुआ तो पहुंच जाएगी, नहीं ठीक होगा तो बस खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगी। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में वो चीज पहुंची, पता चला यहाँ तहरीन फीमेल को ही नहीं है, बस ड्रॉप कर देंगी, गिरा दा। अब समझ आ गई तहरीन को? यस सर। ओके, तो इसको कहते हैं कनेक्शनलेस, कि कोई कनेक्शन पहले नहीं बनाया गया। जैसे कि आपके मोबाइल पे पहले कनेक्शन बनता है, जब कनेक्शन बन जाता है, इंश्योर हो जाता है कि जी एवरीथिंग इज गुड, देन योर स्पीच और योर वीडियो और ऑडियो वट एवर दैट्स मूव्स। दैट इज नॉट द केस इन दी पैकेट नेटवर्क्स, इन द आईपी नेटवर्क्स। नंबर टू, बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का ये मतलब है कि यू विल ट्राई योर बेस्ट, यानी दिस यू मीन्स सिस्टम। सिस्टम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये जो मैं भेज रहा हूं ये पहुंच जाए। अब पहुंचता है नहीं पहुंचता है, नो वरीज। डिलीवर होता है नहीं होता है, नो वरीज, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बस बात इज दिस, दैट द रीजन सच अ मेथड इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट। मैंने तो अपनी पूरी, जैसे आपने इवन सही लेटर डाला कि गलत लेटर डाला जाके लेटर बॉक्स में, उन्होंने अपनी कोशिश की कि उसको बॉक्स में डाला, पैक में डाला, गाड़ी में डाला, उस जगह तक पहुंचाने की कोशिश की। अब वहां पे वो जगह है कि नहीं है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तो आईपी भी किस मॉडल पे काम करता है? बेस्ट एफर्ट। क्लियर हो गया? क्योंकि ये बेस्ट एफर्ट पे काम करता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, पहुंच गया तो अच्छी बात, कामयाबी, नहीं पहुंचा तो बस मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं ये अनरिलायबल है। क्या है? अनरिलायबल है। तो यहां पे जब आपका कनेक्शन बन गया था तो आपका का मतलब है कि आपकी बात अब वाकई आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, इट वाज रिलायबल समथिंग। यहां पे कोई ऐसी रिलायबिलिटी नहीं है, बेस्ट एफर्ट है। ठीक। इसके अलावा एक आइटम में से यहाँ पे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, डेट इज मीडिया इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट क्या मतलब है? मीडिया इंडिपेंडेंट का, मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर ये आपका टीसीपी मॉडल है, ये आपका फिजिकल लेयर है, ये आपका डेटा लिंक लेयर है, ये आपका नेटवर्क लेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, आप इस वक्त किस लेयर पे काम कर रहे हैं? नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं, यानी इस जगह पे हैं। आपका यहाँ पे मीडियम कहाँ है? फिजिकल लेयर पे। मीडियम कहाँ है? फिजिकल पे। अब मसला ये है कि इस मीडियम में इट माइट बी एयर यानी वायरलेस, इट माइट बी कॉपर, इट माइट बी कोएक्स, कॉपर में इट माइट बी ट्विस्टेड पेयर, इट माइट बी कोएक्सियल,
इट माइट बी फाइबर, इट माइट बी इवन वाटर, सी वाटर, कुछ भी हो, इट माइट बी वैक्यूम। क्या नेटवर्क लेयर को पता है कि ये किस पे जाएगा? नहीं, उसको पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसको पता होना शुरू हो जाए इसका मतलब कि आप उसको प्रोग्राम कर देंगे, भाई ये डेटा एप्लीकेशन जब तुम्हें देगी आपने इसको फाइबर पर डालना ही डालना है, आपने इसको फाइबर पर डालना ही डालना है, और वहां फाइबर है ही नहीं। इसी मतलब ये एप्लीकेशन तो किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी, खास सिनेरियो में, खास सिचुएशन में इस्तेमाल होगी, बाकी तो नहीं इस्तेमाल हो सकती। इसलिए हमने आईपी लेयर को इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई आप सोचो ही नहीं कि नीचे एयर है, नीचे वाटर है, कॉपर है, फाइबर है, कुछ भी है, डोंट वरी, आपका ये काम नहीं है। वो किसका काम है? वो मैक लेयर का काम है, वो उसको डील करेगा अपने काम से काम। जैसे मैं बार बार कहता होता हूं कि हमारे में और बाकी दुनिया में जो मेजर मसला है कि हम अपने काम के अलावा बाकी सारे कामों के हम गुरु हैं, मास्टर्स हैं। हमें आईजी के काम का भी पता है, हमें सीएम के काम का भी पता है, हमें गवर्नर के काम का भी पता है, हमें चीफ जस्टिस के काम का भी पता है। नहीं पता तो बस हमें अपनी पढ़ाई का नहीं पता। तो यहां पे भी ये काम किस लेयर का है? दैट इज द टास्क ऑफ दी मैक लेयर। उसको पता है कि नीचे कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सा मीडियम है। इसलिए दिस लेयर आवर आईपी लेयर इज मीडिया इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? तो व्हाट आर द फोर? कनेक्शनलेस, कि ये पहले कनेक्शन नहीं बनाती, बस आपने डेटा दिया, इसने नेटवर्क पर डाल दिया, कोई पूछा ही नहीं कि नेटवर्क आगे है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, डेस्टिनेशन है कि नहीं, बस डाल दिया। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर ली, दैट द रीजन वी कॉल इट ए बेस्ट एफर्ट, क्योंकि हमने बेस्ट एफर्ट किया है। इसके मतलब हम कोई रिलायबिलिटी नहीं दे रहे कि भाई ये डेटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये खत पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा। नहीं, हमने कोई रिलायबिलिटी नहीं दी, इसलिए हमने कहा ये अनरिलायबल है। और हमने कहा कि कोई ऐसा वो नहीं है, इसलिए आईपी को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया कि इवन इवन रास्ते में हमारा हो सकता है कि इस वक्त मेरा डेटा उस पर जा रहा है एयर पे, लेकिन एयर के बाद तो ये फाइबर उस पर चला गया कॉपर पे, फिर तो मसला हो जाता, वो जी मीडिया रास्ते में चेंज हो गया है, कॉपर के बाद आगे फाइबर हो गया है, वो ये तो आगे फिर मीडिया चेंज हो गया है। तो ये आईपी का कोई इसमें दखल नहीं है, इसलिए आप कहते हैं कि दिस मीडिया इंडिपेंडेंट। बात समझ आ रही? क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कनेक्शनलेस का क्या मतलब? जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आईपी इज कनेक्शनलेस। क्यों? बिल्कुल एग्जांपल वही दे रहा है कि लेटर है, आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया, बस ये अब काम इसका है, लेटर बॉक्स का या इसके स्टाफ का, कि वो इसको डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाए। लेकिन उसने कभी भी डेस्टिनेशन को कॉल करके नहीं कहा कि जनाब तुम हो कि भी कि नहीं, तुम ये खत लेना भी चाहते हो कि नहीं। ना सोर्स ने किया, ना लेटर बॉक्स ने ये काम किया, बस उसने आगे गाड़ी में डाल दिया, बोरी में डाला और गाड़ी में डाल दिया कि जी जाओ। दैट द रीजन वी कॉल इट इज अ कनेक्शनलेस। इट डज नॉट एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन, इट डज नॉट एस्टैब्लिश ए कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन। फिर हमने कहा देर इज नो कंट्रोल इंफॉर्मेशन नीडेड, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि जी पहुंच गया, मुझे मिल गया है। आईपी का कोई काम ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो अनरिलायबल है। अगर एक्नॉलेजमेंट लेता फिर तो हम कहते हैं रिलायबल है जी, जब इसको कोई चीज पहुंच जाती है, इसको बताया जाता है कि जी आपका डेटा पहुंच गया है। नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। द डेस्टिनेशन विल रिसीव द पैकेट व्हेन इट अराइव्स, बट नो प्री नोटिफिकेशन आर सेंड बाय, कोई ऐसी नोटिफिकेशन पहले से नहीं भेजी जाती कि जी मैं आपको डेटा भेज रहा हूं, रेडी हो जाओ। नो, आईपी का ये काम नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अगर ये चीजें चाहिए तो ये किसी और का काम है, वो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए, ये आईपी का काम नहीं, ये टीसीपी का काम है, यानी अदर प्रोटोकॉल ऐसा ऐसी चीजों को हैंडल करेंगे, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द आईपी लेयर। फिर हमने कहा बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का क्या मतलब? यहां से मैंने 3 पैकेट भेजे सोर्स से, निहाल सिर्फ 2 पैकेट पहुंच गए, इसका मतलब एक पैकेट कहीं रास्ते में गिर गया,
आई डिड माई बेस्ट, पहुंचता है तो वेल एंड गुड, नहीं पहुंचता है तो सॉरी, बात खत्म। नो गारंटी, व्हाट इज माय बेस्ट एफर्ट, नो गारंटी। क्यों हम ये कर रहे हैं? बिकॉज हम आईपी को ओवरलोड कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। ये गारंटियां लेना, कनेक्शन बनाना, ये किसी और का काम है, वो अपना काम करेगा, आईपी ये काम क्यों करे? तो देखें, इट हैज रिड्यूस द ओवरहेड। अभी आप देखेंगे जस्ट 20 बाइट आप ऐड कर रहे हैं, आपका काम आईपी पूरा कर रहा है। फिर कहता है कि जी आईपी डज नॉट हैव एक्सपेक्ट एनी एक्नॉलेजमेंट, यानी नो रिलायबिलिटी, बेस्ट एफर्ट। आईपी डज नॉट नो इफ अदर डिवाइस इज ऑपरेशनल, कोई भी नहीं पता कि मिसाल के तौर पे भी हमने जूम डॉट ऑर्ग लिखा, मैं जूम डॉट कॉम लिख देता शायद वो हो ही ना, लेकिन आईपी उसको आप उस तक पहुंचाने की कोशिश है, बाद में आखिर में उसको पता चलेगा जी ये तो कोई है ही नहीं। क्लियर? फिर हमने बात की मीडिया इंडिपेंडेंट की। तो मैंने आज जैसे आपको कहा कि देखिए यहां पे कॉपर है, यहां पे कॉपर ही है लेकिन सीरियल है, यहां पे कॉपर ट्विस्टेड पेयर है, यहां पे कॉपर सीरियल है इस एग्जांपल में, यहां पे ऑप्टिकल फाइबर है, यहां पे फिर कॉपर आ गया है, आगे वायरलेस आ गया है। तो इसका मतलब है कि अगर ये आईपी पैकेट किसी खास मीडियम के लिए होता तो शायद कॉपर के बाद जूं ये सीरियल पे जाता, कहते जी गिरा दो, ये तो सीरियल के लिए नहीं है, ये तो फाइबर के लिए नहीं है, ये तो कॉपर वायरलेस के लिए नहीं है। नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडिया। आईपी डज नॉट कंसर्न इट सेल्फ विद द टाइप ऑफ फ्रेम रिक्वायर्ड बाय एट द डेटा लिंक लेयर, एट द डेटा लिंक लेयर। देन हमने कहा कि जी आईपी इज इंड, हाँ ये हो गया। और अनरिलायबल तो मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया कि अनरिलायबल का मतलब है कि ये कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है तो इसका मतलब अनरिलायबल है, पहले से कोई कनेक्शन नहीं बनता, पहुंचा पहुंचा ना पहुंचे ना पहुंचे, इसमें अनरिलायबल है। तो ये कह रहे इट कैन नॉट मैनेज और फिक्स अनडिलीवर्ड और करप्टेड फ्रेम्स, हो सकता है कि अनडिलीवर्ड हो जाए क्योंकि वो था ही नहीं, वो डिवाइस उसका ऑफ था, या करप्ट हो गया रास्ते में आपका पैकेट, अनरिलायबल है, नहीं इन चीजों का ख्याल रहता, एक्नॉलेजमेंट नहीं है ना। इट कैन नॉट रीट्रांसमिट आफ्टर एन एरर, अगर इसको पहले तो एक्नॉलेजमेंट ही नहीं आ रही तो एरर का कैसे पता होगा, तो इसलिए कोई किस्म की रीट्रांसमिशन नहीं करता। इट कैन नॉट रीअलाइन आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट्स, अगर आपके मुख्तलिफ पैकेट्स मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचते हैं तो हो सकता है कि पहला पैकेट जो आपने पहले भेजा है वो लेट पहुंचे। देखे ना, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं निहाल कि आपने कैंट जाना है तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे निहाल जो है वो कहता है मैं यूनिवर्सिटी रोड से जाता हूं, अनीस कहता है मैं रिंग रोड से आ जाता हूं, नूरहक कहता है कि मैं टैकाल की तरफ से जाता हूं, तो हो सकता है जो जो सबसे पहले निकले वो लेट पहुंचे, और जो सबसे आखिर में या मिडल में जाए वो पहले पहुंच जाए, इसके मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाएंगे। अगेन आईपी का ये काम नहीं है कि उनको सीक्वेंस में वापस लाए, जैसे भी पहुंचे हैं आईपी उसको रिसीव करेगी, बाकी ये काम किसी और का है, उस पर जिसका है वो करेगा। मेरी बात समझ आ रही? इट मस्ट रिलाई ऑन अदर प्रोटोकॉल फॉर दीज फंक्शन, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये चीजें आपको आपको नेटवर्क वाइज चाहिए, हाँ चाहिए, भाई ये मेरा काम नहीं है, दूसरे करेंगे, जिनका काम है वो हमें रिलायबिलिटी भी देंगे, वो हमें हमारे कनेक्शन ओरिएंटेड भी करेंगे, जिनका काम है वो करेंगे, मेरा आईपी है तो आईपी, मेरा ये काम नहीं। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे यही बात वो कर रहा है अगेन मीडिया इंडिपेंडेंट का, नेटवर्क लेयर विल एस्टेब्लिश दी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। चले मैं, क्योंकि इनका कुछ और इन्होंने उसके बाद चर्च भी जाना है आज, कल ओ सॉरी आज तो सैटरडे है, फिर इस टॉपिक को कर सकते। ओके तो सबसे पहले एमटीयू क्या है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या? जेंटलमैन होता यह है कि अगेन देखिए हमें इस
लेयरिंग समझने का कितना ज्यादा जरूरत है। हमने कहा कि एप्लीकेशन ने डेटा दिया ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट ने दिया नेटवर्क को, नेटवर्क ने दिया डेटा लिंक लेयर को, और उसने एप्लीकेशन को दी। अब आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर हमारा मैक लेयर है, और मैक किसको रिप्रेजेंट करता है? एक खास टेक्नोलॉजी को। इट माइट बी एन ईथरनेट, इट माइट बी अ ब्लूटूथ, इट मे बी अ जिगबी, इट मे बी अ फ्रेंड रिले, व्हाट एवर, मल्टीपल मैक लेयर टेक्नोलॉजीज आर देयर, मैक लेयर टेक्नोलॉजीज आर देयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हर एक टेक्नोलॉजी का डिपेंडिंग अपॉन दी हार्ड, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के नीचे हार्डवेयर है, और अगेन जो मेरे इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस के हैं, ये थोड़ा जूनियर हैं, उनको पता है कि व्हेन यू डिजाइन दी हार्डवेयर, उसमें आपको बहुत सी चीजों को कंसिडर करना होता है। मिसाल के तौर पर यू टेकिंग द बफर। अब अगर मिसाल के तौर पर आपका पैकेट का, आपका बफर का साइज जो है वो 1500 बाइट है, आपने मेमोरी रखी हुई है, तो क्या आप उसमें 4500 बाइट्स का डेटा उसमें डाल सकते हो? हर केस नहीं। जैसे अभी यहाँ पे अगर 20 चेयर्स हैं, तो क्या यहाँ पे 40 लोगों को हम बिठा सकते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज सिंपली नो। तो हल क्या है? हल ये है कि हार्डवेयर को देखते हुए मैक एलएलसी को बताए कि जी नीचे जो हार्डवेयर है, इसीलिए अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जी हमारा जो नॉर्मल हमारा इथरनेट है उसमें जो हमारे पैकेट, हमारे जो फ्रेम का साइज है वो 1500 बाइट्स का है, एग्जैक्टली 1518 बाइट्स का है। 18 बाइट्स का उसका अपना हेडर लगता है, हेडर और ट्रेलर, ऊपर से जो आएगा वो 1500 बाइट होगा, नेटवर्क लेयर से जो आएगा वो 1500 बाइट्स होगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर तो कुछ भी दे सकती है, 2000 बाइट भी दे सकती है, 3000 बाइट भी दे सकती है नेटवर्क लेयर को, लेकिन नेटवर्क लेयर को पता है कि नीचे मेरे जो हार्डवेयर जिससे ये जाएगा वो 1500 ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसको ये भी पता है कि मैंने भी अपने 20 बाइट उसमें डालनी है। इसका मतलब है कि मैं 1480 का मैक्स, उससे कम है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन मैक्स इज फॉर मी 1480, तो आई विल टेक दिस 1480, अपेंड माई ओन हेडर विच मेक इट 1500, एंड देन आई विल गिव इट टू दी डेटा लिंक लेयर, बिकॉज आई नो दैट द डेटा लिंक लेयर इन दिस केस, विच मीन द मैक लेयर इन दिस केस इज ईथरनेट। दिस मैक्सिमम इज कॉल्ड एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एंड इट डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी। इट विल बी डिफरेंट फॉर दी ब्लूटूथ, इट विल बी डिफरेंट फॉर दी वाईफाई, इट विल बी डिफरेंट फॉर, इवन डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ इथरनेट। बात समझ आए? अगर ट्रांसपोर्ट लेयर से 1480 से ज्यादा का डेटा आ रहा है तो नेटवर्क लेयर उसको क्या करेगा फिर? क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर, मैंने भी कहा कि ट्रांसपोर्ट लेयर हो सकता है कि 2000 बाइट गिरा दे या 3000 बाइट गिरा दे, लेकिन उसको नेटवर्क को पता है कि नीचे मुझे 1480 या 1500 देना है, तो बाकी क्या करेगा? बफर करेगा अपने पास और दूसरा फ्रेम बना के उसको दे देगा। यानी अगर 300 फॉर एग्जाम्पल 1929 दिया गया उसको, तो उसने पहले उसमें से 1450 निकाले और फिर दूसरा 1450 दिए, उनके साथ अपना एडर लगाया और नीचे दे दिए, तो दो दो फ्रेम बना के नीचे आ जाएंगे एक की बजाय। बात समझ आ रही है ना? क्लियर? यानी कि अगर इस लेयर ने मिसाल के तो, और ये भी याद रखें फिक्स नहीं है, अरेंज है, लाजमी नहीं कि 1450 देगा, हो सकता है इसमें 1460 दे, उसमें 1440 दे। तो मैंने जैसे कहा कि जी एप्लीकेशन लेयर ने इसको दिया और इसके पास 2900 बाइट्स हैं, इसने 2900 बाइट्स नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिए। अब यहां पे डेटा इस मैक लेयर ने अपने एलएलसी को बताया हुआ है कि एलएलसी बता दो नेटवर्क लेयर को कि नीचे जो मेरी लेयर है वो इथरनेट है, वो 1500 से ज्यादा नहीं, एमटीयू का 1500 है, अकॉर्डिंगली वो इस 2900 में से कुछ बाइट्स निकालेगा, अपना हेडर साथ 20 बाइट का लगाएगा और डेट और एलएलसी के थ्रू मैक के हवाले कर देगा। क्लियर? और लाजमी तौर पर बाकी ये क्या करेगा? तो दूसरा फ्रेम बना देगा।
क्लियर हो मेरी बात? ओके तो यही वो कह रहा है, द नेटवर्क लेयर विल स्टैब्लिश ए एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट विच विल बी गिवन टू इट बाय द मैक लेयर। कहता है नेटवर्क लेयर रिसीव दिस फ्रॉम द कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंट बाय द डेटा लिंक लेयर। ये इंफॉर्मेशन इसको लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर प्रोवाइड करती है, और लाजमी तौर पे वो आपका डेटा तो नहीं है, तो जो आपका नहीं होता उसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कहते हैं दी नेटवर्क देन एस्टेब्लिश दी एमटीयू, नेटवर्क को पता चल जाता है कि ये टेक्नोलॉजी ये इसका एमटीयू है, बस इससे आगे नहीं हरगिज नहीं जाना, इससे कम कम में ही अपनी बात पूरी करनी है। तो इससे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इन द इज व्हेन द लेयर 3 स्प्लिट्स द IPv4 पैकेट इनटू स्मॉलर चंक्स। क्या है दी फ्रेगमेंटेशन? अब मिसाल के तौर पे आपने यहां पे कॉपर वायर ले रही, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1500 बाइट्स अलाउड था, तो इसका मतलब कि ये डिवाइस 1500 बाइट्स, इसको सारी दुनिया का तो नहीं पता कि कौन से रास्ते से जाएगा, नहीं पता ना, किसी सूरत नहीं पता, तो इसको 1500 बाइट्स का इसने बना के दे दिया। जब यहां पहुंचा तो पता चला कि अगला जो लिंक है वो तो 1500 नहीं बर्दाश्त करता, उसका तो एमटीयू 1500 नहीं है, मिसाल के तौर पर उसका एमटीयू तो 500 है, तो ये तो 1500 का है, दो ही ऑप्शन है, या तो इसको ना ले जाया जाए, जैसे देखे ना अगर आपकी बस है, आप बस में कहीं जा रहे हैं, पता चला बस खराब हो गई है, आगे तो कार है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप बस, आपको कहा जाए यहां बैठे रहो, गाड़ी हमारे पास कार है और कार में आप लोग नहीं आते हो, और या फिर आप सबको उस कार में डालने की कोशिश की जाए जो कि नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि 1500 बाइट को आप 500 बाइट के उसमें नहीं ले जा सकते, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डिवाइडिंग इट इंटू मल्टीपल, यू विल बी डिवाइडिंग दिस 1500 बाइट इंटू मल्टीपल चंक्स, मल्टीपल चंक्स, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सो योर वन पैकेट मे बी डिवाइडेड इंटू 3 या 4 चंक्स विच आर कॉल्ड द फ्रेगमेंट्स। ये एमटीयू हार्डवेयर की किस चीज पे डिपेंड करता है कि किसी डिवाइस की एमटीयू ज्यादा होती है किसी की कम होती है? क्वेश्चन ये पूछा गया कि जी एमटीयू किस चीज पर डिपेंड करता है, आंसर इज सबसे पहले बफर पे, नंबर टू प्रोसेसिंग पावर पे, उस लाइन तौर पे उस डिवाइस के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग के लिए यूनिट मौजूद है, उसकी कैपेबिलिटी पे, रैम पे, तो इन चीजों पे डिपेंड करता है, और फिर वंस इट इज डिसाइडेड आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते जी मैं चलो आज एक दो बफर और लगा लेता हूं, अब 1500 की बजाय 4500 को डील करेगा, नहीं इसका मतलब नई टेक्नोलॉजी लाना। तो अब ये आपस में इससे क्या हुआ, लाजमी तौर पे अगर आपने यहाँ पे इसको फ्रेगमेंट किया तोड़ा तो आखिर में जोड़ना भी पड़ेगा, आखिर में एजाज जोड़ना भी पड़ेगा, और इससे क्या चीज आएगी, लेटेंसी। क्या चीज आएगी, लेटेंसी किसे कहते हैं, डिले, तोड़ रहे हो जोड़ रहे हो, तोड़ोगे तो हर एक के साथ अपना अपना हेडर ऐड भी करोगे, क्योंकि आप हर एक अपना एक कंप्लीट यूनिट बन चुका हुआ है, आखिर में हर एक हेडर हटा के उनके यूनिट्स को कंबाइन करोगे, इट विल गिव यू दी लेटेंसी, डिले, डिले तो समझते हैं ना, नाइस। ऑल्दो कहता है IPv6 में डज नॉट फ्रेगमेंट पैकेट्स, तो IPv6 में आएंगे तो फिर देखेंगे, एग्जाम्पल में कहता है राउटर्स गोज फ्रॉम ईथरनेट टू ए स्लो वैन लिंक, जैसे यहाँ पे हमने क्या कि पीछे से ईथरनेट लिंक था विच इज फास्ट, आगे जो है वो वैन लिंक है विच इज स्लो, स्लो मीन्स सपोर्ट लेस बाइट्स, तो इन दिस केस यू हैव टू फ्रेगमेंट अदरवाइज द पैकेट विल बी सिंपली ड्रॉप्ड। क्लियर हो गया, तो आज हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, कल हम इंशाल्लाह इस्तेमाल शुरू करेंगे अबाउट दी IPv4 पैकेट, यानी कि IPv4 का जो हेडर है, इसलिए डोंट मिस द क्लास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड IPv4 पैकेट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और जो लोग स्पेशली आपके साथ फातिमा तहरीन कुछ फीमेल्स थी जो कि मोस्टली अवेलेबल होती थी, उन तक मैसेज पहुंचाएंगे, डोंट मिस द क्लासेस, अब तो आसान हो गया कि आप अपने घर से या इवन हॉस्टल में है तो आप आ भी सकते हैं,
आपको लेटर मिल सकता है कि जी आप इस वक्त से इस वक्त तक यहाँ पे पढ़ती हैं, तो जो भी है वी विल फैसिलिटेट यू, लेकिन आप भी अपनी अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है एवरीवन, इज देयर एनी क्वेश्चन? फातमा, सबेरा, तहरीन? नो सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन एट 11:30। टिल देन अल्लाह हाफिज।